बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एक नई आइटम के साथ, एक नई चीज़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कैसे है जी? मैं आपके साथ लेके आई हूँ नेशनल दही बड़ा पाउडर, जो ऑलरेडी बना होता है, ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ती। आजकल तो घरों में चटपट से चीज़ें बना लें। पहले मैंने पराठों का रिव्यू दिया, अब मैं आपको नेशनल दही बड़ा का पाउडर का रिव्यू दे रही हूँ। जी ये बहुत ही अच्छा था। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप बस चलें। इसके ऊपर उर्दू इंग्लिश में दोनों में लिखा होता है, जैसे जैसे लिखा है बस वैसे ही वैसे फॉलो करते रहें। ये है कि ये चटपट में बन जाते हैं। अगर घर में कोई मेहमान गेस्ट आने वाला है जी, आपके पास 5 से 10 मिनट है, तो जल्दी से इसको बना के आप रख लीजिए। बट उससे पहले आपको फटाफट से इसका मिक्सर को रेडी करना होगा। मिक्सर बहुत सिंपल है, बस जी पाउडर लिया, पानी डाला एंड देन उसकी इतनी आप वो थिकनेस रख लें जितनी आपको चाहिए, जितनी आपकी को लगता है जी ये ठीक है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना। तो मेरा तो जैसे हमेशा पता है एयर फ्राई में हर चीज़ तल लेती हूँ, क्योंकि चूल्हों फूलों पर मुझे गंद डालना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे, देखिए मेरे माशाल्लाह सारे ही भले आ गए। चटपट से सामान भी रेडी कर लिए। वैसे मैंने जो आलू है ना, ये मैंने चूल्हे पे उबाले हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ही जल्दी आपके पास टाइम थोड़ा ना, आप माइक्रोवेव में भी इसको लगा के रख सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। भले भी रेडी हो गए थे, मैंने इनको भिगो के रख दिया, साथ में मैंने इनको निकाल लिया जितने मुझे चाहिए थे और साथ में मैंने कटिंग कर ली। तो आप इंजॉय कीजिए मेरे भले को। कैसे लगे आपको मेरे भल्ले? भल्लों के बाद रेहान को फाइनली मिल गया उसका पैकेज, और पैकेज में क्या था जी वो तो आप देख लें। जिसके अंदर था वायलिन की बुक, जो स्कूल वालों ने मांगी थी कि आप बच्चों को ऑर्डर कर दें, क्योंकि रेहान जैसे आप लोगों को पता है वो वायलिन सीख रहा है, तो बुक भी उसको चाहिए थी। और ये बहुत अच्छा है कि साथ में CD भी हमें मिल गई थी। नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे जी कबाबिश ग्रिल में खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चे कहने लगे पापा इस बार हम कबाबिश ट्राई करते हैं। हम कुछ ना कुछ वीकेंड में ट्राई करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा था माशाल्लाह जी, इसकी ग्रिल जो थी हमने मंगाई थी बहुत अच्छी थी। एंट्रेंस में देखिए बहुत ही प्यारा ये सर्कल चल रहा है कबाबिश ग्रिल का। अंदर गए तो उन्होंने हमसे पूछा कि बुकिंग है, हमने कहा बुकिंग नहीं है, तो उन्होंने कहा बस अब थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन उन्होंने हमें वेट नहीं कराया था, साथ ही हमारा टेबल भी रेडी हो गया था। बहरहाल जी रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, सर्विस में इनकी एकदम मतलब मैं परेशान हूँ इनकी सर्विस को देख के। जैसे ही ऑर्डर किया साथ ही खाना आ गया, सर्विस भी एकदम से अच्छी थी, इनका फूड बहुत डिलीशियस था एंड इनकी सीटिंग एयर, इनकी डेकोरेशन और इनके इंटीरियर खूबसूरती इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। हर जगह इन्होंने एक्वेरियम रखे हुए थे फ़िश के, और इस वजह से मैं पूरी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मिकाइल को आजकल फ़िश का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था, तो इसने हमें ठीक से खाना भी नहीं खाने दिया। मैंने तो एटलीस्ट आधा ही खाना खा के बाहर इसको ले गए, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा तूफ़ान उठाया हुआ था। बट एनी वे जितनी भी मैंने बनाई, आप लोग इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको ढेर सा प्यार दीजिए इस ब्लॉग को अब, और मेरे साथ बिल्कुल एंड तक रहिए, क्योंकि मैं तो नहीं रहूँगी पर वीडियो एंड तक चलेगी। इसको फुल वॉच कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बगैर सब्सक्राइब किए मत देखा करें प्लीज़। और अगर आप लोग फुल वॉच करते हैं तो आपका थैंक यू, और अगर आप फुल नहीं कर सकते तो 3 से 4 मिनट देख लिया करें। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक अच्छे ब्लॉग के साथ आऊँगी, आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।